गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 3A. ओके बच्चों, आज हम सेल्फ प्रैक्टिस 3A कंप्लीट करेंगे. बिफोर द स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा था. एंड आपकी बुक में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 देर इज़ अ चैप्टर टेस्ट. वहाँ पर एक चैप्टर टेस्ट है, तो आपको वो चैप्टर टेस्ट जो है कंप्लीट करना है. ओके उस चैप्टर टेस्ट को आपको अपने बुक में ही कंप्लीट करना है. क्लियर है? एंड देन आफ्टर जब स्कूल्स रीओपन होंगे तो देट विल चेक इन योर क्लास, वो आपके क्लास में चेक होगा. तो चलिए हम आज एडिशन करना सीखेंगे विथ 3 digits. 2 digits तक आपने आपकी जो प्रीवियस क्लास है टिल क्लास सेकंड क्लास आपने स्टडी करा होगा. आज हम 3 digits के जो एडिशन है वो करना सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बच्चों स्टडी करेंगे वो करेंगे 3 digits एडिशन विदाउट कैरिंग. ओके विदाउट कैरिंग, उसमें कैरी नहीं होगा. एंड देन आफ्टर हम जो स्टडी करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 3B में, उसमें हम विद कैरी करेंगे. तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट जैसा कि सॉल्व है, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे. पहले हम वंस वाले को वंस वाले से ही ऐड करते हैं, एंड टेंस वाले को टेंस वाले से, एंड हंड्रेड वाले को हंड्रेड वाले से. तो व्हेन वी विल ऐड 3 with 4, तो दैट विल बी 4, 5, 6, 7. तो हियर विल कम 7. ओके व्हेन वी विल ऐड 0 with 6, तो 0 में 6 ऐड करेंगे तो दिस विल कम 6. एंड 8 में 1, तो 8 के बाद 9, तो हेयर विल कम 9. एडिशन तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता ही होगा, आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी करा होगा. ओके तो पहले हम क्या करते हैं, वंस वाली प्लेस को हमें यहाँ जो सीखना है, पहले हम जो वंस प्लेस पे डिजिट होती है उसको ऐड करते हैं, देन टेंस प्लेस वाली डिजिट को ऐड करते हैं, देन आफ्टर हंड्रेड प्लेस वाली डिजिट को ऐड करते हैं. तो 4, 5, 6. ओके हेयर विल कम 6. 4 and 1, 5 and 6 and 3. आप अपने फिंगर्स को भी ओपन करके काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड 6 के बाद 3 more, 7, 8, 9. तो हेयर विल कम 9. ओके एंड सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 यू हैव टू डू योर सेल्फ. आपको अपने आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट करना है. ओके ये अभी जो हमने स्टडी करा, दीज आर विदाउट कैरिंग एडिशन ऑफ 3 digits. ओके ऐसे ही अब हम करेंगे एडिशन विद कैरिंग. ओके जिसके अंदर हमें कैरी लेना होगा. ओके आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइज 3B है. 3B का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑलरेडी सॉल्व. अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे. इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड हेयर इज अ 5 एंड हेयर इज अ 8. इट मीन्स 5 इज ऑल्सो ऑन वंस प्लेस एंड 8 इज ऑल्सो ऑन वंस प्लेस. तो हम वंस प्लेस वाली डिजिट को ऐड करेंगे. व्हेन वी विल ऐड 8 with 5, तो आंसर विल कम 13. आप अपने फिंगर को ओपन करिए एंड काउंट करना स्टार्ट करिए. तो 5 तो ऑलरेडी है, 5 के बाद हमें 8 और काउंट करना है. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो कितना आया बच्चों, 13. तो हम 13 का जो 3 है वंस प्लेस वाले डिजिट को यहाँ लिखेंगे एंड टेंस प्लेस वाले डिजिट ऊपर कैरी में चली जाएगी. ओके अब हम जो ऐड करेंगे वो 7, 2 और 1, इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे. 7 और 2 को व्हेन वी विल ऐड 7, 8, 9 और 1, 10 का वंस प्लेस पे 10 के क्या आएगा बच्चों, 0. ओके एंड 1 विल बी कैरी. एंड 4, 5, 6, 7 और 1, 8. ओके तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है. व्हेन वी विल ऐड 9 with 4, इट विल कम 13. 13 के वंस प्लेस पे 3 आएगा, तो वी विल राइट 3 ऑन वंस प्लेस एंड कैरी विल बी 1. ओके 13 का 3 एंड कैरी विल बी 1. 6 एंड 4 10, 10 और 1
11, आप अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके भी काउंट कर सकते हैं। आपने अर्लियर क्लास में स्टडी करा होगा कैसे हमें एडिशन काउंट करने चाहिए। एंड देन आफ्टर 6, 4, 10 और 1, 11 एंड कैरी विल बी 1, 5, 1, 6 एंड 1, 7। ओके, लास्ट वाले में जो भी हमारा डिजिट आता है, जैसे कि 10 आएगा तो हम 10 लिख देंगे, 11 आएगा तो 11 राइट डाउन कर देंगे। ओके, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आपको देख लेंगे आप, 12 तक है क्वेश्चन, 1 to 12 आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, आज जो आपका होमवर्क है, होमवर्क इज सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड ए एंड थर्ड बी, यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एंड एज वेल एज इन योर बुक ऑल्सो। ओके, दैट विल चेक आफ्टर द रीओपन ऑफ स्कूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।